एकदम क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट सॉफ्ट और मार्केट जैसी आइसक्रीम आप भी अपने घर पर आसानी से कुछ ही सामान में बना सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनाना आइसक्रीम। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 गिलास दूध। वजन में देखे तो यह करीब 500 ml दूध है। और यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है और मैंने इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में गैस पर उबलने के लिए चढ़ा दिया है। आप यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ही लीजिएगा या फिर मोटे तले की, ताकि दूध हमारा तले में चिपके नहीं। इसको हमें लगातार चलाते रहना है और फुल फ्लेम पर हमें, जब तक कि हमारा दूध आधा ना रह जाए तब तक हमें इसको अच्छे से उबालना है। आज हम यह आइसक्रीम घर के ही सामान से बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर घर में कभी कभी दूध बच ही जाता है और मिल्क पाउडर भी हर घर में रहता ही है, तो आप इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दूध को उबाल लिया है और दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर मैं 1/4 कप चीनी इसमें डाल दूंगी। ये 3 बड़े चम्मच चीनी है। आप आपके अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह केले की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा केले ले रहे हैं तो आप चीनी की मात्रा कम कर दीजिए। मैं यहाँ पर 2 छोटे मीडियम साइज़ के केले ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। दूध हमारा उबल चुका है और ये रिड्यूस होकर आधा रह गया। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के केलों को काट कर तैयार कर लिया है और दूध भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमें इसमें कुछ और सामान ऐड करना है जो हमारे घर में ही मौजूद रहता है। ये लिए मैंने दूध की मलाई, ये फ्रेश मलाई है जो ताज़े दूध की परत ऊपर से आ जाती है उबलने के बाद, ये वही है। और ये है मिल्क पाउडर। इस तरह के पाउचेस 10 रुपये में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर जार और इसमें और जो दूध ठंडा हो गया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही मैं इसमें कटे हुए केले भी ऐड कर दूंगी और जो पूरा 1 पाउच मिल्क पाउडर का इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और यहीं पे मैं 4-5 छोटे चम्मच मिल्क क्रीम यानी गाढ़ी दूध की मलाई इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे क्या है कि फैट कंटेंट बढ़ जाएगा और हमारे आइसक्रीम में बर्फ नहीं जमेगी। और इन सबको मैंने 1 मिनट पीस लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया। अब हम इनको एक कंटेनर में पोर कर देंगे या एयरटाइट कंटेनर लेना है। और इसको आप चोको चिप्स, टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट से ऊपर से इसको डेकोरेट कर देंगे। अब लेंगे हम एक दूध की पॉलीथीन या कोई भी क्लीन रैप और उसको इस तरह से आइसक्रीम में टच करते हुए हमें लगा देना है और ऊपर से इसे क्लोज कर देना है। अब गारंटी है मेरी कि आपकी आइसक्रीम में कभी बर्फ नहीं जमेगी और एकदम क्रीमी और सॉफ्ट आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। इसको फ्रीजर में मैंने जमने के लिए रख दिया है 7-8 घंटे या पूरी रात भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ये लीजिए, जमने के बाद हमारी आइसक्रीम कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और आप भी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनकर तैयार हुई है।